जर्नी रिलेटेड क्या कुछ कहना चाहोगे प्लीज बताएं। तो वो शो का कॉन्सेप्ट ही वेरी लाइट वे इन अ वेरी फन मैनर, सबकी बजाई जाती है थोड़ी और सबसे थोड़ी अंदर की गॉसिप से निकलवाई जाती है। तो आई थिंक शो का सबसे फन पार्ट यही है कि किसी को भी हम कुछ भी बोल सकते हैं और वो भी उसको बहुत लाइट मैनर में लेते हैं। साथ ही क्या कुछ कहना चाहोगे, लग रहा है गेम है, सभी के रिव्यूज बहुत अलग अलग आ रहे हैं और रिसेंटली जो वीकेंड का वार हुआ है उसमें बहुत सारी खतरनाक जी। तो ऑनेस्टली मुझे इतना बिग बॉस जितना अमेजिंग होता है हमेशा और जितनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं इतना अमेजिंग नहीं लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे लग रहा है कि कंटेस्टेंट ना स्टडी करके आए हैं पहले के सीजन्स, तो बहुत सारी सिमिलर चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा फेक लग रहा है वो सब। बट ये वीकेंड का वार तो बहुत ही सॉलिड था, मतलब सलमान जी ने बहुत बैंड बजाए लोगों की, जैसे प्रियंका की भी बहुत बोला गया उनको कि वो सबके मामले में टांग अड़ाती है, सुम्बुल की बहुत क्लास हुई। तो आई थिंक ये बहुत हैवी था सबके लिए लेना, इवन एज अ व्यूअर आई फेल्ट इट वाज वेरी हैवी टू टेक। तो आई थिंक शो ओवरऑल फॉर मी इट्स नॉट वन ऑफ माय फेवरेट सीजंस, बट या इट्स गोइंग ओके, इट्स लाइक नथिंग ग्रेट फॉर मी। पर गौतम के लिए आप क्या कहना चाहोगे, बिकॉज हाल ही में जब हमने गौतम से बात की है, गौतम का कहना ये था कि मुझे इस शो में रहना चाहिए था लेकिन मेरे साथ पाशा लगी हुई है, मुझे रोल ज़्यादा मिले हैं, तो आपका क्या रिएक्शन? देखिए जब भी गौतम डेंजर जोन में थे, एलिमिनेशन नॉमिनेटेड थे, तो उनके साथ आई थिंक सौंदर्य और शालीन और टीना नॉमिनेटेड थे, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं उनसे मिली थी शो अपना अपने शो पर, तो वो बहुत डिसबिलीफ में थे कि वो निकल गए हैं। एंड आई थिंक इवन आई थिंक गौतम शुडंट हैव गॉन, ही वाज आई थिंक वो सौंदर्या से तो बेटर थे टीम में भी अपने, सो इवन आई थिंक इट्स, मैं ये नहीं बोलूँगी गलत हुआ है या वोट्स मुझे ज़्यादा उनको ज़्यादा आएगा वो मुझे नहीं पता ऑफकोर्स, बट हाँ उनको नहीं जाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो, लाइक दिस इज नॉट हिज टाइम टू लीव द शो। साथ ही सुम्बुल के रिसेंटली अभी हमने देखा है कि उनके डैड ने भी उनके लिए कुछ ना कुछ कहा है, जिस पर बहुत सारे रिएक्शन हो रहे हैं, बाकी कंटेस्टेंट्स के पेरेंट्स भी कर रहे हैं और जितने भी लोग जो एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट्स थे वो भी कहीं ना कहीं अपने व्यूज दे रहे हैं, आपका क्या कहना है? देखिए अभी ना इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक रहता हूँ कि बोला गया उनको एक चीज़ बोली गई कि आप उनसे ऑब्सेस्ड हैं और उनका ये कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है मेरी तरफ से, तो आई थिंक one of the biggest factors is her age. I think this was not the right time for her to go for Bigg Boss. She is very young in life right now. उनको जाना नहीं चाहिए था। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो गलत कर रही हैं या वो, मतलब कुछ लोग होते हैं जो अपना अफेक्शन और केयर इस तरीके से जताते हैं सामने वाले के लिए, तो मे बी वो उनका अपना केयर और अफेक्शन दिखाने का तरीका है एज अ फ्रेंड, तो वो जो उसको शी इज़ जस्ट 19 आई थिंक वो obsessed ये बोलना आई थिंक इट्स नॉट दैट राइट। मे बी शी लाइक्स हिम इन अ वे और अदर, इवन आई एम सच अ पर्सन, इफ आई हैव अ गाय फ्रेंड आई विल बी वेरी अफेक्शनेट टुवर्ड्स हिम, सो आई कैन टोटली रिलेट टू दैट, मे बी इट्स जस्ट हर वे ऑफ शोइंग अफेक्शन, उनका तरीका है प्यार और अफेक्शन जताने का, तो आई थिंक उसको ऑब्सेशन बोलना आई थिंक इट्स नॉट राइट। और यहाँ पे मैं शालीन को बोलना चाहूँगी कि आप बोल रहे हैं कि वो बच्ची है 20 साल की, तो आप तो 40 साल के बड़े आदमी हैं, आपको कैसे नहीं समझ आती चीज़ें, अगर आपका अगर ऐसा कुछ हो भी रहा था तो आप ऐसे नहीं बोल सकते। अच्छा जब भी सुम्बुल जाने लगती हैं आगे, जब उनसे बात नहीं करती तो ये ज़बरदस्ती घूम के उसके पास आते हैं उनसे बात चिपकने उनसे बात करने, क्यों यू आर नॉट डम, तो शालीन जस्ट स्टॉप प्लेइंग योर गेम्स, इट्स नॉट एट ऑल वर्किंग एंड यू आर नॉट एट ऑल लुकिंग नाइस आई थिंक आई वुड जस्ट से। टीना भी कम नहीं है, मैं भी देख रही थी कल या परसों का एपिसोड था या वो प्रोमो था जिसमें वो बोल रही है कि सुम्बुल ने मेरा स्टैंड नहीं लिया, क्यों भाई, नाउ शी इज़ मेंटेनिंग हर डिस्टेंस फ्रॉम ऑल ऑफ यू, तो आप अपना गेम खेलो ना, आपका स्टैंड क्यों ले, आप ही थे जिन्होंने इस चीज़ को इतना पोक कर करके सुम्बुल ऑब्सेस्ड है बनाया, सो नाउ जस्ट लेट हर प्ले हर ओन गेम, वो आपके लिए स्टैंड क्यों ले मुझे समझ नहीं आता। एंड इवन सुम्बुल आई वुड यू नो शी नाउ हैज़ टू गेट बैक इन द गेम, बहुत हो गया रोना धोना ये, फॉरगेट इट, दिस इज नॉट अ डेली शो, यू प्ले योर ओन गेम, छोड़ दो, आपकी दोस्ती किसी को नहीं समझ आती है छोड़ दो ना, और आई डोंट थिंक सो शी हैज एनी नीड टू गिव क्लैरिफिकेशन कि हाँ नहीं ये मेरा ऑब्सेशन नहीं है, इट्स ओके लेट एवरीवन थिंक व्हाटएवर दे वांट टू थिंक, यू जस्ट प्ले योर ओन गेम राइट। एज वेल एज आपके किरदार के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितने लोगों के कमेंट्स पढ़ रहे हैं आप और क्या कुछ उनको रिवर्ट बैक कर रहे हैं?
बिग बॉस पे तो मेरा एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है जिसका नाम है विमला जो कि बिहार से आई है और कृष्णा की साफ सफाई करने वाली है एंड शी इज अमेजिंग आई एम इन लव विद हर. ऐसा पहली बार ही मैंने कोई किरदार निभाया जिसमें मुझे एकदम वो भोजपुरी ऐसा लैंग्वेज में बात करना है. तो फॉर मी इट वॉज समथिंग वेरी न्यू बट सिंस जो मैं पहले कैरेक्टर करती थी और जो ये नया कैरेक्टर है तो जो मैं ऑडियंस के जो भी रिव्यूज पढ़ रही हूँ आई थिंक दिस इज समथिंग विच दे आर लाइकिंग मोर. तो क्योंकि उन्होंने कभी मुझे करते हुए देखा भी नहीं है और यू नो शी इज वेरी फन, कुछ भी बोल देती है, कृष्णा को कुछ भी बोल देती है. आई थिंक इट्स अमेजिंग डूइंग विमला, इट्स समथिंग वेरी न्यू और बहुत सारी इसमें चीज़ें करने के लिए हैं आगे आगे भी जो हम प्लान कर रहे थे. तो साथ ही बिग बॉस में राखी भी आई थी और साथ ही अर्शी खान भी आई थी. कैसा रहा उनके साथ एक्सपीरियंस? राखी के साथ तो हमेशा भी अच्छा ही रहता है, शी इज वेरी फन. उनसे मतलब उनको उनको ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप ये क्यों नहीं बोल रहे हो, वो सब कुछ बोल देती है. उनसे बोलना पड़ता है आप ये मत बोलो, आप ये मत बोलो. सो शूटिंग में राखी इज ऑलवेज फन और अर्शी को भी मैं आने को बैठा पहली बार ही सेट कर रही थी. Well, अर्शी के वो डायलॉग्स आपने क्या उसमें लिया था या नहीं कि आवाम देख रहा है हमेशा से हमने बिग बॉस में अर्शी के डायलॉग? हाँ मतलब अर्शी का ये डायलॉग आई थिंक इट्स प्रीटी, मैंने तो नहीं बोला था बट हाँ आई एम श्योर कृष्णा या किसी ने तो बोला ही होगा. तो काफ़ी फेमस है उनका ये डायलॉग तो वो हो और वो डायलॉग ना बोला जाए ऐसा हो नहीं सकता, बोला ही गया होगा. Well, next elimination के लिए क्या कुछ preparations आपने की है, क्या कुछ धमाल देखने मिलने वाला है? Honestly, अभी हम लोग अच्छा जो लोग ये बोलते हैं ना बिग बॉस स्क्रिप्टेड होता है, ये लोग पहले से डिसाइड करते हैं, तो मैं उन लोग को एक बात बता दूँ कि हम जो शो का एक पार्ट है मतलब जो एलिमिनेट होता है वो सबसे पहले हमारे पास आता है बिग बॉस पे. हम तक को एंड मोमेंट पे नहीं बताया जाता कौन एलिमिनेट हो रहा है, तो इट्स नॉट एट ऑल स्क्रिप्टेड. मतलब हमें भी जब एलिमिनेशन हो रहा हो गया वहाँ चल रहा होता है तो हमें बोला होता है आप रेडी रहो, कोई भी एलिमिनेट हो सकता है. और एंड मोमेंट तब हमारी स्क्रिप्ट लिखी जाती है तुरंत, जो आता है बंदा एलिमिनेट होके उसके हिसाब से. तो ये ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्टेड है, हमें पहले से पता होता है. तो एटलीस्ट हमें भी कुछ पता नहीं होता, हम भी अनप्रिपेयर्ड सेट पर जाते हैं. जब वहाँ एलिमिनेशन अनाउंस होता है तो हमें यहाँ बताया जाता है कि ये एलिमिनेट हो गया है. फिर वहाँ तुरंत हमारे राइटर्स जो हैं अमेजिंग राइटर्स जो तुरंत स्क्रिप्ट बनाते हैं और हम लोग उसे याद करते हैं और फिर परफॉर्म करते हैं. तो सब लोग हमारे शो से पहले हमेशा एटलीस्ट मैं तो बहुत नर्वस होती हूँ क्योंकि पता नहीं है कौन आ जाए और कौन कितने खराब मूड में बेचारे. जैसे जब गौतम आए थे वो बहुत अपसेट थे तो मुझे थोड़ा डर लगा था कि कुछ बोल देंगे तो बेचारा वो फिर भड़क ना जाए या कुछ बोला नहीं, बट वेरी सपोर्टिव एवरीवन. तो ऐसा ही होता है मतलब एंड मोमेंट प्रिपरेशन होती है, सो वी ऑल्सो डोंट नो वॉट इज गोइंग हैपन एंड वॉट टू एक्सपेक्ट. फिर लास्टली ये जानना चाहेंगे अगर सलमान सर आते हैं बिग बॉस में तो क्या कुछ कर सकते हो आप, कुछ अमेजिंग जिससे सभी लाइक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट? मैं तो अपने पूरे यूनिट को यही बोलती हूँ कि देखो सलमान सर हमारे यहाँ आए ना, लेकिन हमें तो एक बार ही सलमान सर के वहाँ जाना बनता है तो प्लीज़ हमें एक बार ही भेज दो. अब वो तो पता नहीं, वो तो चालक का डिसीजन होता है जाते हैं कि नहीं, बट अगर जाते हैं ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता बिकॉज ही हैज दिस ऑरा जिनको देख के मुझे पता है एकदम ऑस्ट्रा को जाऊँगी और मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगी. तो इससे अच्छा कुछ प्लान करने की जरूरत ही, मतलब प्लान ही ना करूँ, वहाँ पर ही देखी जाएगी जो भी होगा. Well, lastly, any message to the all the viewers? मैं अपने सभी दर्शकों को बोलूँगी कि ऐसे ही हमारा शो बिग बॉस देखते रहिए और उसे ढेर सारा प्यार दीजिए. एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आप लोग इतना पसंद कर रहे हो शो को, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे सोशल मीडिया पे. तो इसी तरीके से आप हमें प्यार करते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए और हम लोग आपको एंटरटेन करते रहिए. थैंक यू सो मच.